आज मैं वो 7 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा जो बहुत ही ज़रूरी हैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है, टाइम इज़ योर फ्रेंड। जितना ज़्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देंगे, उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। कहने का ये मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर देखा जाए कि कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट बढ़ती है, बीच बीच में ब्लिप्स आते हैं और गिरती है। अगर मैं 20 साल का टाइम पीरियड लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 से 2020 तक का टाइम पीरियड लूँ, इस टाइम पीरियड में वॉर्स भी हुए, पेंडेमिक भी आया, रिसेशन भी आया, स्कैम्स भी आए, फ्रॉड भी हुआ, मार्केट इन सब सिचुएशंस पे गिरी भी, लेकिन अल्टीमेटली वो बढ़ती ही चली गई। एंड रिज़ल्ट उसका बढ़ना ही था। तो कहने का मतलब है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहेंगे, तो चांसेस हैं कि आपका वो इन्वेस्टमेंट बहुत सक्सेसफुल हो और आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिले। एक चीज़ और समझी गई है कि आजकल मैंने देखा है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट का या किसी चीज़ का भी बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिजल्ट्स चाहते हैं, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, किसी भी बिज़नेस में हिस्सेदारी लेना। अब उस बिज़नेस में प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, वो कोई स्ट्रैटजी फॉर्म हो रही होती है, फिर वो प्रोडक्ट आता है मार्केट में, हिट होता है, जब उसके रेवेन्यूज़ आते हैं तब जाके उसका शेयर प्राइस बढ़ता है। कभी कभी ये पहले भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अजम्पटिव उसमें फोरकास्ट उसमें भी स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन आपको टाइम पीरियड देना पड़ेगा। और जब आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो उसको क्यों ना अपने पास रखें, उसको लॉन्ग टर्म रखिए। आपको डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको मिलेगा, जो कई लोग कहते हैं इट्स अ 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो उस कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए आपको लॉन्ग टर्म रखना ही पड़ेगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट रखा है तो कंपाउंडिंग इफेक्ट ही नहीं मिलेगा, कॉर्पोरेट एक्शंस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। तो आपको जो एक डिज़ायर्ड रिजल्ट, मतलब रिटर्न्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, वो नहीं मिलेंगे। तो मेरा सबसे पहला आपको एडवाइस है, इन्वेस्टमेंट करिए लॉन्ग टर्म के लिए करिए और बहुत अच्छी कंपनी में करिए। इससे ही आपकी वेल्थ ग्रो होगी, इससे ही आप ग्रो करेंगे और यही आपको अमीर बनाएगा। क्लियर? सेकंड चीज़ है, किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इसको कई लोगों ने बना रखा है, लेकिन इट्स अ वेरी easy thing। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे। अब अच्छी कंपनी क्या है? अच्छी कंपनी आपके आसपास ही है। अगर आप देखेंगे, आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो आपको प्रोडक्ट बहुत पसंद है, वो यूनिक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बहुत फेमस है, वो अच्छी कंपनी है। अगर उसके शेयर ट्रेड करते हैं, उसको बाय कर लीजिए। आप एप्पल यूज़ करते हैं, आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो एप्पल में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप हिंदी यूनिलीवर्स के या यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनका वो है, तो उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको किसी मारुति कार यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं और आपको अच्छा लगता है, बहुत आसान होता है इसको जज करना। आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है आपको और आपको लगता है कि ये हर जगह हिट भी है, ये कई लोग इसको पसंद करते हैं, वो एक अच्छी कंपनी है। और वो अच्छी कंपनी है तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सिंपल एज दैट। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे रिटर्न्स पाएंगे, अच्छे डिविडेंड्स पाएंगे और आपके अच्छे ग्रोथ होगी उस कंपनी में। क्लियर? तीसरी चीज़ है जो मैं हर किसी से कहता हूँ स्टॉक मार्केट में, एक बहुत स्टॉक मार्केट में चलता है कि टिप्स आती हैं, डोंट लिसन टू द टिप्स। कभी भी किसी टिप पे इन्वेस्ट मत करिए, इस चीज़ को अवॉइड करिए। कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टिप सही है या गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ से टिप आ रही है, जो टिप दे रहा है और आप, टू डिफरेंट पीपल है। आपका रिस्क एपेटाइट, आपका होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका टेन्योर, आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क, लॉसेस, सब कुछ अलग है जो बंदा आपको टिप दे रहा है।
तो इस मारे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो टिप आपके लिए, जो आपको टिप मिल रही है वो आप ही के लिए हो। इट कैन बी अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। सो आप अपना इन्वेस्टमेंट रिसर्च करिए, आप थोड़ा सा जानकारी लीजिए, चीज़ें समझिए और ख़ुद इन्वेस्ट करिए। कभी भी टिप पे इन्वेस्टमेंट मत करिए, मेरा मानना यही है। तो ये तीसरा मेरा बहुत ही क्लियर एडवाइस है, टिप पे एडवाइस मत करिए। प्रोफेशनल उस पर आपको कोई एडवाइस मिल रही है उस पर आप इन्वेस्ट करिए। चौथी चीज़ जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में, बी कंफर्टेबल इन कटिंग द लॉसेस। आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई या आपने कोई स्ट्रैटेजी सीखी या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल नहीं है या उस पर कुछ नेगेटिव आ रहा है, तो उसको ईगो पॉइंट मत बनाइए। अगर किसी ने एक्सप्लेन किया ये स्ट्रैटेजी गड़बड़ है या इसमें ये गलती है और आप उसको देख रहे हैं, तो उसको काट दीजिए, लॉसेस बुक कर लीजिए। ईगो फेक होता है, बट जो आपके मनी का जो लॉस है, जो टाइम वैल्यू आप लूज़ करेंगे उस इन्वेस्टमेंट, उस स्ट्रैटेजी को रन करने में, उस जो पैसा आप लगाएंगे वो सब रियल होगा। सो ईगो या पर्सनल ईगो पे मत बनाइए कोई भी इन्वेस्टमेंट, बहुत ही प्रोफेशनली उसको काट दीजिए। जो अपने लॉसेस काटता है, जो अपनी स्ट्रैटेजीज को समझता है ये गलत है और नहीं इम्प्लीमेंट करता है या इम्प्लीमेंट करके उसको रोक देता है, वही सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है। इट्स एट सिंपल एज दैट। मेरा फिफ्थ पॉइंट है, डाइवर्सिफाई करिए। अब डाइवर्सिफाई करने का भी मेरा एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत करिए और बहुत कम भी मत करिए। कहा जाता है ना, एक सिंपल सा लॉजिक, वो इंग्लिश प्रोवर्ब होता है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ये बिल्कुल सही बात है, बट मेरा पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा बास्केट्स में भी एग मत रखिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करिए एंड 5-6 या 7-8 स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए। मेरा आइडल मानना है कि 4 से 7 आपके स्टॉक्स होने चाहिए। इससे दो चीज़ें पूरी होती हैं। जब आपसे के पास 4 से 5 ही स्टॉक्स हैं, और सोच लीजिए हर एक स्टॉक एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने 4 से 7 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, पहली चीज़। अब क्या होगा, इससे डाइवर्सिफिकेशन से फ़ायदा क्या मिलेगा, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, कभी 2 साल के लिए कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, तो उस सेक्टर का आपके पास स्टॉक होगा। और लीडर रखेंगे, गुड इन्वेस्टमेंट होगा, अच्छी कंपनी वाला स्टॉक रखेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, पहली चीज़। तो मतलब अगर आपने 7 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख रखे हैं या 4 स्टॉक रख रखे हैं, तो आप 4 सेक्टर्स के, अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप कम स्टॉक्स रखते हैं तो आप उनमें वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा आप क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब रिटर्न्स आते हैं उस स्टॉक पे, तो आप ज़्यादा उसका बेनिफिट रीप कर पाते हैं। किसी दिन, फॉर एग्जांपल, सिंपल सा है, आपने 100 स्टॉक लिए किसी एक कंपनी के और 10% भाग गया, तो आपको उन 100 स्टॉक्स पे जो क्वांटिटी है उस पे आपको 10% रिटर्न मिलेगा। और सोच लीजिए आपके पास 50 स्टॉक्स हैं, डिफरेंट स्टॉक्स 50 डिफरेंट हैं और सब 100 100 100 100 हैं, तो आपको उन 100 स्टॉक्स पे 10% रिटर्न मिलेगा आउट ऑफ 50 स्टॉक्स दैट यू होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। अब आप वही सोचिए, आपके पास सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं, तो आप 1000 स्टॉक रख रहे होंगे अपने पास 100 की जगह। अब वो 1000 स्टॉक्स पे आपको 10% रिटर्न मिल रहा होगा, तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, आपको वैल्यूएशन ज़्यादा मिल रही होगी। तो कम स्टॉक्स रखिए, नंबर ऑफ स्टॉक्स रखिए, कम नंबर ऑफ स्टॉक्स रखिए, बट डाइवर्सिफाइड रहिए। 4 5 6 मैक्सिमम 7 स्टॉक्स रखिए, अलग अलग सेक्टर के एक एक, और क्वांटिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी, इससे आपका वॉल्यूम बन जाएगा, तो आपको रिटर्न्स में भी मज़ा आएगा, आपकी नेटवर्थ जल्दी इंक्रीज करेगी। एंड लास्ट थिंग है कि अगर आप 4 से 7 स्टॉक ही रखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स के, आपको पढ़ना कम पड़ेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आप स्पेसिफिकली एक कंपनी रखी हुई है। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी में आपने एक कोई कंपनी रख रखी है, उसके बारे में पढ़ना है, समझना है और एक सेक्टर देखना है, सिंपल। अब टेक्नोलॉजी में ही आपने 10 कंपनी रख रखी है, कोई कंपनी ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, एंड रिजल्ट आपका 0 ही होगा, कुछ भाग रही होंगी, कुछ गिर रही होंगी, और आपको सबके रिजल्ट, सबके डिविडेंड, सबके पोर्टफोलियो, सबके मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। दैट विल बी नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो हर एक सेक्टर का एक स्टॉक रखिए, 4 से 5 सेक्टर्स रखिए, इजीली मैनेज्ड होगा और अच्छे रिटर्न्स आएंगे।
और सबसे बड़ी चीज़ है वॉल्यूम होगा, आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो रिटर्न्स का फ़ायदा भी आपको दिखेगा। लास्टली मेरा छठा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि ट्रबल सम है, नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्रोफेशनली एडवाइस ले लीजिए। आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ी दिन आपको जुकाम हुआ, थोड़े दिन आपने आपको इलाज किया, नहीं हो पाया तो डॉक्टर के पास चले गए। द सेम वे इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो प्रोफेशनली एडवाइस ले लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहीं पेमेंट करके ही एडवाइस लीजिए, आपका कोई दोस्त है उससे एडवाइस लीजिए, उसको आप कह दीजिए कि भाई थोड़ा सा हमको एडवाइस कर दो, क्या क्या लेना है, कैसे लेना है, और वैसे फॉलो कर लीजिए, वो भी आपको कायदे से गाइड कर लेगा, आपको समझाए, क्योंकि वो उस प्रोफेशन में है, वो अप्स एंड डाउन जानता है। और जब आप किसी से गाइडेंस लेते हैं तो आप स्टॉक से अटैच नहीं होते हैं, आप इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, और जब आप इमोशनली अटैच नहीं होते हैं तो आप अपने लॉसेस भी बुक कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट्स भी बुक कर सकते हैं, और आप अपने कोई स्टॉक को अपने ईगो पे नहीं लेते हैं, इमोशनली अटैच नहीं होते हैं तो ईगो पे नहीं लेते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, जब आप कोई अपना पर्सनल पढ़ के कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, फिर वो आपको लॉस भी अगर दे रहा होता है तो आप होल्ड करते हैं, सोचते हैं चलो चलाएं, मे बी उसमें बहुत गड़बड़ आ रहा हो, गड़बड़ न्यूज़ हो, फंडामेंटली उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा हो, बट आप उससे हट नहीं पाते, आप इग्नोर करने लग जाते हैं। तो मेरा ये मानना है थोड़ा सा प्रोफेशनली एडवाइस ले लीजिए, या सेकेंडरी एडवाइस कह दीजिए ले लीजिए अपने दोस्त से या आपके जान पहचान में कोई है जो उस स्टॉक मार्केट या प्रोफेशनली वो एडवाइस करता है, एंड उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करिए जिससे कि आपको गाइडेंस प्रॉपर मिले। लास्टली एंड नॉट द लीस्ट, जो मेरा एक मानना है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि ट्राई इन्वेस्टिंग द स्पेयर मनी इनिशियली। आप 100 रुपये कमाते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप 100 रुपये कमाते हैं और आपके पास 10 रुपये ऐसे बच रहे हैं या 5 रुपये ऐसे बच रहे हैं जो बिल्कुल स्पेयर हैं, पहले वो इन्वेस्ट करिए। ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छी कंपनी में करिए, नोन कंपनी में करिए। आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और आपको लगता है बहुत फेमस, आप मारुति कार चलाते हैं, मारुति कार का शेयर लीजिए ना, चाहे 1 लीजिए या 10 लीजिए, उसमें आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। पहले स्पेयर मनी को इन्वेस्ट करिए, जब 1-2 साल में आपको चीज़ें समझने लग जाए कि ऐसे सॉफ्टवेयर चलता है, यूँ इन्वेस्ट करते हैं, इतने टाइम पे स्टॉक मार्केट चलती है, इतने में बंद होती है, अच्छा डिविडेंड भी आता है, बोनसेस होते हैं, रिटर्न करना पड़ता है, फाइलिंग करनी पड़ती है, जब ये सब चीज़ें आपको उन्होंने, तब आप एक जैसे स्पेसिफिक अमाउंट निकाल के इन्वेस्ट करिए, बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। मेरा यह मानना है कि अल्टीमेटली आपके इन्वेस्टमेंट्स ही आपको ज़्यादा अर्न करके देंगे rather than यू अर्निंग समथिंग। जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी पे आ जाती है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको ज़्यादा रिटर्न देते हैं rather than यू योर सेल्फ अर्निंग। ये एक बहुत क्लियर फैक्ट है, क्योंकि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये सोचिए, मैं नौकरी कर रहा हूँ और मैं इन्वेस्ट भी करता जा रहा हूँ। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, किसी भी बिजनेस में लगाने के लिए, अब आपका इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है इतने 4-5 स्टॉक्स में जो अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो आप एक तरीके से बिजनेसमैन चले गए और वो आप बिजनेस चल रहा है, आपको वहाँ से रिटर्न्स मिलेंगे ही। तो मेरा ये मानना है कि पहले स्पेयर मनी को इन्वेस्ट करिए। स्पेयर मनी का कहने का मतलब है कि वो पैसा खो भी गया या डूब गया या लॉस भी हो गया तो आपको कोई फ़र्क ना आए आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके किसी एक्टिविटी पे। फिर आप एक पर्टिकुलर फंड निकाल के इन्वेस्ट करिए, लाइक फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये कमाते हैं, उसमें से आपने सोच लिया कि 20% मैं 20 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। एंड वन थिंग मोर, प्लीज़ कर्ज लेके, उधारी लेके, कहीं से लोन लेके इन्वेस्ट मत करिए। वो इन्वेस्टमेंट मैं पर्सनली बता रहा हूँ कभी फला नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप अपना स्पेयर पैसे को इन्वेस्ट करें। सो ये थे मेरे 7 रूल्स। अब मैं ऐसे ही सीरीज़ चलाऊंगा जिससे कि आपको फ्रॉम बेसिक गाइड करूंगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए स्टॉक्स में। तो पहली ये 7 रूल्स आप लोग समझ लें और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।